हेलो गाइस, वेलकम टू वी रैप्स। मैं आपका दोस्त विजय। आज हम बात करने वाले हैं स्मोक विनाइल के बारे में, जो कि मोस्टली आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। कई बैग्स में लोग इस टाइम स्मोक विनाइल करवा रहे हैं। स्मोक विनाइल क्या होती है? हल्की ट्रांसपेरेंट होती है एंड ब्लैक अलग अलग कलर में आती है, बट मोस्टली ब्लैक कलर पॉपुलर हो रहा है इस टाइम। इससे क्या होता है कि स्टिकर जो लगे हुए हैं वो स्टिकर हाइड भी नहीं होते और थोड़ा हल्का स्मोकी लुक आता है, लाइक ब्लैक ब्लैक लुक आता है। तो ये बहुत ट्रेंड में चली हुई है। तो मैं आपको बता दूं, स्मोक विनाइल इस पे बाइक्स पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। इस बाइक के टॉप पोर्शन पे जो स्ट्रिप्स के अंदर का हिस्सा है, इसके ऊपर स्मोक विनाइल किया गया है एंड बाइक बिल्कुल नहीं है, पूरा टैंक नहीं किया हुआ, टॉप किया हुआ इसका। अब टॉप पे इसका क्या रिजल्ट रहता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये टैंक का टॉप देख रहे हैं आप, ये इतना पोर्शन स्ट्रिप्स के बीच का हिस्सा, इसको स्मोक किया गया है। स्मोक देख सकते हैं, सलवट वगैरह यहाँ पे आ रही है एंड यहाँ पे भी थोड़ा सफाई से नहीं है। सफाई सलवट आना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि इसको एजेस जो कट किया गया है ये बहुत डीप कट किया गया है। और ये जो बाहर का एज है देख रहे हैं, इसके ऊपर ये ब्लैक रेडियम की आउटलाइन लगाई हुई है। इसको रिमूव करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एडहेसिव छोड़ती है और ये ख़राब करता है पेंट को। देखो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये देखो बहुत ज़्यादा गम छोड़ रहा है यहाँ पे। एंड विनाइल होती है नॉर्मली वो नहीं छोड़ती, बट ये रेडियम की आउटलाइन मारी हुई है। और यहाँ जो कट लगाया हुआ लास्ट वाला स्ट्रिप का, ये बहुत डीप गया हुआ है, देख रहे हैं आप। इसको जब कट किया गया था तो जिस भाई ने ये करवाया था उनसे हमने पूछा कि कौन सा ब्लेड यूज़ किया था उन्होंने, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा ब्लेड था, नटराज वाला ब्लेड जो आता है नॉर्मली, ये 45 डिग्री ब्लेड होता है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पेंटेड पार्ट में इस ब्लेड को यूज़ करेंगे तो 100% श्योर है कि ये पेंट ख़राब करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इसको हम पील ऑफ करने वाले हैं आज, भाई से रिव्यू भी लेंगे कि उन्होंने कहाँ से करवाया और कैसे करवाया। वैसे हेलो भाई, नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वैसे सर मैं यहाँ गुड्डा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नज़दीक आप इसके नज़दीक में आपका, ठीक है। आपने जो ऊपर स्मोक करवा रखा है आपने वहीं से करवाया? हाँ, वहीं से लोकल था कोई। अच्छा, तो आपको रिकमेंड आपने किसी फ्रेंड ने किया आपको या आपने आपको शॉप वाले ने करा? ऐसे शॉप वाले ने बताया ऐसा कोई सेफ रहता है ये तो नहीं। ये उन्होंने जो टॉप इसका किया है, टॉप किया, इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ठीक नहीं करी, लाइक उन्होंने टॉप पे जो किया है तो ऊपर खुली ब्लेड चलाई, उन्होंने ब्लेड चलाई है तो ब्लेड से बिल्कुल वो उसकी एजेस जो है वो ख़राब हुई है। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने स्मोक किया है। स्मोक विनाइल जो होती है वो इस पर करने के नहीं होती एक्चुअल में, इस पर क्लियर बीप होता है जो व्हीकल्स के लिए आता है, जो पेंटेड पार्ट के लिए आता है वही करना चाहिए। उन्होंने इसमें जो स्मोक कर रखा है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। कितनी पुरानी बाइक आपकी? समथिंग 3-4 महीने पुरानी बाइक। 3-4 महीने बाइक में देखा भी, चली भी बहुत कम है, 2000 के आसपास चली हुई है। तो ये बिल्कुल आपका टैंक का जो क्लियर मुझे पता है, रिमूव करने से पहले मुझे पता है कि ये ख़राब होना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस ऑलरेडी आ चुके हैं जिनका हम इसको फिल अप करते हैं तो उसका ऊपर क्लियर कोट जो होता है, सरफेस क्लियर वाला, वो ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इस चीज़ की कि इसको फिल अप करेंगे तो ख़राब होगा। तो आप क्या चाहेंगे, इसको रखेंगे या फिल अप कर दें इसको? उसको तो हटाना ही है सर, इसीलिए तो आपके पास आए। आप कोई भी टैंक पे जब विनाइल लगाई हुई हो या फिर पीपीएफ किया हुआ हो, उसको फिल अप करना हो, उसको हीट मार के फिल अप करना हो, तो एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, उसका टैंक का जो ढक्कन होता है उसको लूज़ कर दीजिए या उसको खोल दीजिए, क्योंकि टैंक में जब हीट मारेगी अंदर पेट्रोल होता है तो वो नुकसान कर सकता है। इसलिए इसको मैं खोल रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा करके इसको छोड़ सकते हैं ताकि इसकी जो गैस बने अंदर हीट होने से वो निकल सके। चलिए इसको पील ऑफ करते हैं, अब दिखाते हैं कि ये इसको ख़राब करता है पोर्शन को या नहीं करता। तो ये इसको मैं हीट मार के ही पील ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि हीट मार के करना चाहिए। अब इसका गम बहुत तेज़ होता है, मैं इसको देखो रिमूव कर रहा हूँ, इसका जो क्लियर कोट है इसका वो साथ आ गया, देखो इसका क्लियर कोट साथ आ चुका है, देखो ये ख़राब हो गया यहाँ से। कभी कोई पार्ट रिमूव करो, पील ऑफ करो, तो एक बात का ध्यान रखो कि यदि उसका क्लियर कोट साथ में आ रहा है तो उस वाली साइड से इसको पील ऑफ ना करो, इसके साइड चेंज कर लो। अब इस साइड से क्लियर साथ में आ रहा है तो मैं इस साइड से इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड इसको स्ट्रेट ऊपर उठाओ मत, 90 डिग्री मत उठाओ, इसको तिरछा करके खींचो, इससे क्लियर बचा रहेगा। इसको पिलो कर रहा हूँ, बट ये क्लियर यहाँ से पूरा ख़राब हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कितना क्लियर कोट ख़राब हुआ है,
ये जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट, ये क्लियर कोट है, ये क्लियर खराब हो गया। पेंट होता है पेंट की सेफ्टी के लिए क्लियर कोट होता है, और क्लियर कोट उतर गया उसके बाद में पेंट की कोई सेफ्टी नहीं है, पेंट फिर खराब बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी स्क्रेच होता है। रेडियम की आउटलाइन या रेडियम का कोई गम या थोड़ा बहुत रेडियम लगा हो उसको रिमूव करना हो तो कभी भी इसको ब्लेड वगैरह यूज़ ना करें, इसके लिए हल्का हीट मार के एंड कोई प्लास्टिक का स्क्यूजी हो, हल्का हार्ड स्क्यूजी जो स्क्रेच नहीं करे उससे इसको रिमूव करो, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। गाड़ी पे भी कोई कभी लोगो लगाया हो रेडियम का, शोरूम जो होते हैं उनके अपने लोगो लगाते हैं कारों, कार पे बाइक पे, उनको पी लो भी इस तरीके से करें, हल्का हीट मारो, ज़्यादा हीट नहीं मारना, हल्का हीट मारो और उसके बाद में प्लास्टिक स्क्यूजी नाखून किसी से इसको रिमूव करो, एंड जो बाद में गम बचे इसका इसको पेट्रोल की हेल्प से इसको रिमूव कर दो। इसको क्लीन करने के लिए पहले इसका थोड़ा पेट्रोल यूज़ कीजिए कपड़े के ऊपर और उससे इसके गम को हटा दीजिए। इस पर हम अब क्लियर पीपीएफ कर रहे हैं और ये जो हिस्सा है दिख रहा है क्लियर वाला ख़राब हुआ, इसका कुछ सोचेंगे या तो करने के बाद में इतना जो पोर्शन है बीच वाला इस पर ब्लैक करेंगे कुछ मैट वगैरह का, या फिर यहाँ को स्टिकर लगा के इसको हाइड करेंगे, इसका यही ऑप्शन बचता है। अभी टैंक पूरा पीपीएफ हो चुका है और टैंक पे हमने जो पीपीएफ किया क्लियर वाला, ये 3 लेयर पीपीएफ है, आप बिना लेयर के भी कर सकते हैं, लेयर के साथ भी कर सकते हैं, तो इसका मैं लेयर रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ इस जगह पे क्लियर ख़राब है, इसके अलावा सारा पोर्शन सही है इसका। पहले सिर्फ टैंक का टॉप किया हुआ था, अभी हम इसका आगे वाला मडगार्ड भी कर रहे हैं पीपीएफ, एंड साइड के टूल्स जो हैं ये वाला भी पीपीएफ कर रहे हैं, एंड बैटरी बॉक्स है वो भी होना है। एकदम से ये हाइड नहीं हो पाएगा बट काफ़ी हद तक स्टिकर लगाने से ये हाइड हो जाएगा, तो इस पर स्टिकर लगा देते हैं।